निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, कोर्ट से नहीं मिली जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है पूजा सिंघल। मामले में 25 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। मल्लिकार्जुन खड़गे को जान से मारने की धमकी का झारखंड में विरोध। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दर्ज कराई है शिकायत। राजेश ठाकुर ने 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मणिकांत राठौर है कर्नाटक से बीजेपी प्रत्याशी। जमशेदपुर के कदमा में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी का विरोध। सरकार की कार्रवाई का बीजेपी ने विरोध किया। राज्य सरकार पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। झारखंड में जनाधार मजबूत करने में जुटा जेडीयू। प्रभारी अशोक चौधरी ने की नेताओं से बैठक। नेताओं के साथ बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी झारखंड आएंगे। पार्टी की मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। बम धमाकों से दहला धनबाद। देर रात बदमाशों ने बमबाजी की थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रांची में पीएलएफआई का एरिया कमांडर के नाम पर पैसा लूटने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। एरिया कमांडर बताकर कर रहा था पैसे की वसूली। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रांची में 14वां इंडियन इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का समापन। सीएम हेमंत सोरेन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सीएम। रांची में निलंबित आईएएस छवि रंजन से पूछताछ जारी। कारोबारी विष्णु अग्रवाल से भी पूछताछ हो रही है। सेना जमीन घोटाला की जांच कर रही है ईडी। रांची में ईडी की कार्रवाई पर राजनीति तेज। अमर बाउरी ने सरकार पर निशाना साधा। कहा सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को पनाह दे रही है। ये लगातार इस सरकार में जो लूट भ्रष्टाचार जो विषय है जो झारखंड बनने के बाद इस सरकार के बनने के बाद ही प्रारंभ हुआ है उसको लेकर के कई बार प्रश्न उठाए गए। विपक्ष ने उसको सचेत किया लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने सारे ऑब्जेक्शंस को सारे शंकाओं को दरकिनार करके अपने भ्रष्टाचार के कारण आज इस जगह पहुंच गई है तो इसका उत्तरदायित्व तो वर्तमान गठबंधन की सरकार ही है। विपक्ष के आरोपों का सत्ता पक्ष ने दिया जवाब। कहा सरकार निष्पक्षता से कर रही है काम। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा है अभियान। हमारी सरकार इसमें सपोर्ट कर रही है और नैतिकता के आधार पर तुरंत कार्रवाई करके भ्रष्टाचार को रोकने के दिशा में हमारी सरकार खुलकर सामने आई है। हर मामला को देख लीजिए आप। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे चाहे वो कितनों भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो तुरंत कार्रवाई हमारी सरकार करेगी यहां तक कि पार्टी स्तर से भी। रांची में जमीन घोटाले में विष्णु अग्रवाल से ईडी की पूछताछ। पूछताछ के दौरान विष्णु अग्रवाल की तबीयत हुई खराब। इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे विष्णु अग्रवाल। झारखंड में सुरक्षा बलों के खिलाफ नक्सलियों की बड़ी कामयाबी। एक साथ 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। सरेंडर किए गए नक्सलियों का आईजी ने किया स्वागत। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। भाकपा माओवादी संगठन का एरिया कमांडर गिरफ्तार। एक लोडेड देसी कट्टा और गोली बरामद। मणिपुर में फंसी एक गढ़वा की छात्रा को वापस लाने की कोशिश। राज्य सरकार के प्रयास के बाद से आज सुरक्षित लौटेगी पायल। मणिपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी पायल। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा हाई कोर्ट जा सकते हैं मनीष कश्यप। केस क्लब करने की मांग को कोर्ट ने खारिज किया। अहमदाबाद में तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि के मामले में सुनवाई। कोर्ट ने शिकायत के जांच के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता को गवाहों और सबूतों के साथ 20 मई को पेश होने के आदेश। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में दर्ज हुई थी शिकायत। मणिपुर में फंसे बिहारी छात्रों को बिहार लाने की व्यवस्था हो रही है। अलग अलग जगह पड़ रहे छात्रों को विशेष विमान से बिहार लाया जा रहा है। सीएम के निर्देश के बाद से काम किया जा रहा है। बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को लेकर जुबानी जंग जारी है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का बाबा बागेश्वर पर बड़ा आरोप। केंद्र के इशारों पर दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं। बागेश्वर जी केंद्र सरकार के इशारों पर बिहार और अन्य प्रदेशों में घूमकर सांप्रदायिक दंगा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ एक लोग धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहते देश कभी बट नहीं सकता है। और जो इस तरह से प्रचार और एक धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जेल के सलाखों में रहनी चाहिए। भाई वीरेंद्र को बीजेपी के निखिल आनंद की नसीहत। बाबा बागेश्वर के दरबार में हाजिरी लगाए भाई वीरेंद्र। सुर्खियां बटोरने के लिए करते हैं ऐसी बयानबाजी। जब से विधायक भाई वीरेंद्र जी को प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है तो बहदवास हैं, बेचैन हैं। मैं तो कहूंगा कि भाई वीरेंद्र जी को
बाबा बागेश्वर के दरबार में अपनी अर्जी लगानी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आने वाले समय में उनका भविष्य क्या होगा। ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने की एक कोशिश है, ये उनका अनर्गल प्रलाप है। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का विरोध जारी। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा, कहा माहौल बिगाड़ने पर कार्रवाई होगी। कराची में जाएंगे, वहाँ स्वर्गीय ये शहीद जो दुर्गा बाबू है, दुर्गा प्रसाद बांगी जी, उनकी मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण करना और वहीं जाके और कार्यक्रम भी उसी कार्यक्रम में भाग लेने। सर, सनातन धर्म के प्रचार करने के लिए सर धीरेन्द्र बाबा आ रहे हैं यहाँ पे जाना पटना में, उस पर क्या प्रतिक्रिया? हमारे यहाँ तो धर्म निरपेक्षता राष्ट्र है, यहाँ तो सबूत लाने का अधिकार नहीं है, लेकिन लोग जो है यहाँ स्वभाव भावना के माहौल लोग बनाकर रखे, नहीं चाहना थे कौन लोग बनाकर रखे, हम लोग किसी को रोकते नहीं, लेकिन लोग जो है देख रहे हैं कि अभी जो तानाशाही का माहौल है, इस तानाशाही के माहौल में जो आपातकाल की जो स्थिति है देश में नहीं, तो इसमें निश्चित रूप से जो अभी धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र के लिए खतरा है, तो जो अभी संविधान है, संघीय ढांचे है उसका। आनंद मोहन की रिहाई मामले का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब मांगा, रिहाई का रिकॉर्ड पेश करने का आदेश। वो लोगों को भी नोटिस दे दिया गया है और एक खुशी की बात है, 2 वीक्स में, 2 हफ्ता में वो लोग रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये तो बहुत खुशी है। फिर 15 दिन के बाद तो पता चलेगा क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में तो जरूर न्याय मिलेगा, हाँ, ये तो मेरा अकेले का काम नहीं है, अकेले का केस नहीं है, ये तो भारत देश का इशू है, ये मेरा उमा कृष्णय्या के बारे में अकेले नहीं है, सारा लोगों के बारे में सोचकर सुप्रीम कोर्ट तो जरूर अच्छा डिसीजन ले लेगा, अच्छा जजमेंट मिलेगा बोल के सोच रहे हैं। सीएम नीतीश की विपक्षी एकता पर कांग्रेस का बयान, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा हम लोग विपक्ष को एकजुट करने में लगे, इसका परिणाम सकारात्मक होगा। नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि विपक्ष को एक करना प्रथम उद्देश्य मेरा है, इसी कड़ी में वो कई लोगों से मिले, बड़े बड़े नेताओं से मिले, सबकी सहमति है कि इस सरकार को हटाने के लिए विपक्षी एकता आवश्यक है, क्योंकि यह सरकार जन विरोधी है। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता पर बीजेपी का निशाना, विपक्ष को बताया मरा हुआ घोड़ा, कहा ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा, सीबीआई और ईडी से बचने के लिए ये लोग एक हो रहे हैं। विपक्षी एकता कर्नाटक में जब भी चुनाव हो रहा है तो जेडीएस और कांग्रेस को एक कर देते ना, विपक्ष मरा हुआ घोड़ा है, उसको कितनों चाबुक मारिएगा तो दौड़ेगा नहीं, विपक्षी एकता कैसे हो पाएगी? अगर हो ही गया तो बीजू पटनायक जी बिहार में भाषण करने आएंगे तो क्या असर पड़ेगा, और नीतीश जी बंगाल में जाएंगे भाषण करने तो क्या असर पड़ेगा? विपक्षी एकता कुछ नहीं है, अगर हो गया तो सीटें बंटवारा में फिर कर्नाटक चुनाव को लेकर बिहार में भी जमकर राजनीति। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कर्नाटक में बीजेपी की हार का दावा किया, नालंदा हिंसा पर बीजेपी पर उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा हर घर में है, हर गली में है, हर जुबान पर है, और केंद्र की सरकार जो दावा करती रही इतने दिनों तक कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए सभी विपक्षी दल एक हो रहे हैं। अब अपना जाके कर्नाटक में न देखें, इस देश की भ्रष्टतम सरकार है कर्नाटक की, तो वो के पालतू तोते हैं, ये हम लोग बातें पहले से कहते रहे जो उनके। नालंदा हिंसा को लेकर राज्यपाल से मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, कहा दोनों जिलों में जानबूझकर सुरक्षा नहीं दी गई, सुरक्षा नहीं होने की वजह से सासाराम और नालंदा में हिंसा भड़की, दोनों जिलों में हुई हिंसा को लेकर उच्च स्तरीय जांच हो। राज्यपाल महोदय से हम लोगों ने आग्रह किया है कि सासाराम और बिहार शरीफ की घटना में नीतीश कुमार जी ने जानबूझकर कोई प्रशासनिक व्यवस्था खड़ा नहीं किया, जिसके चलते ये पूरी घटना घटी है, और पुलिस प्रशासन को उस दिन कोई जनता को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला, जिसके चलते ये घटना घटी, और नीतीश कुमार जी की सरकार ये चाहती थी कि आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम रद्द हो, इसी के लिए सारा षड्यंत्र रचने का काम किया।
मोकामा में गंगा नदी में डूबने से भाई और बहन की मौत। हाथी दह में नहाने के दौरान हुआ हादसा। शादी समारोह में शामिल होने आए थे भाई और बहन। एसडीआरएफ की टीम ने दोनों शवों को बरामद किया। जमशेदपुर के मानगो में एक अपार्टमेंट में आग लग गई। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। जानकारी मिला कि जवाहर नगर फ्लैट नंबर 6 सुफिया अपार्टमेंट में आग मोटरसाइकिल का ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग के जगह नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहता है उसमें बोला कि हम मोटरसाइकिल में आग लग गया है। अच्छा। तो हम लोग जानकारी लेते हैं तुरंत क्विकली हम लोग फायर ब्रिगेड को लेके आए आए तो देखा तो हल्का हल्का आग था तो उसको बुताकर जनता द्वारा भी हम लोग भी सहयोग से। मुजफ्फरपुर में बस में भीषण आग लग गई। चलती बस में अचानक आग लगी। आग में जलकर खाक हुई पूरी बस। हादसे के दौरान बस में नहीं सवार थे यात्री। अहियापुर धर्मकांटा के पास हादसा हुआ। पाकुड़ के हिरणपुर में पत्थर खदान में ब्लास्ट से हादसा। दो मजदूर गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोहतास में 435 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। बोलिया रोड मोहल्ले में पुलिस ने कार्रवाई की। पूर्वी चंपारण में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने कई नक्सली घटनाओं में शामिल नक्सली को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से कई हथियार बरामद हुए। सीतामढ़ी में हत्या के आरोपी का भोजपुरी गाने पर फायरिंग का वीडियो वायरल। पिस्टल लेकर डांस कर रहा है आरोपी। युवक की पहचान कर गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। रामगढ़ में हथियार के बल पर लाखों की डकैती। दामोदर पुल के पास कोहिनूर ज्वेलर्स में डकैती। लाखों की जेवरात लूट कर ले गए हथियारबंद बदमाश। घटना के बाद से जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया के मधुबनी में एक विवाहिता महिला की हत्या। ससुराल वालों ने हत्या कर शव को फंदे से लटकाया। हत्या की सूचना के बाद शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में इलाज में लापरवाही से महिला की मौत। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने ली गर्भवती की जान। मौत के बाद फरार हुआ आरोपी झोला छाप डॉक्टर। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में एक युवक की गला दबाकर हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एसकेएमसीएच में भर्ती कराया। समस्तीपुर का रहने वाला था युवक। गोपालगंज में ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। बोरे में छिपाकर की जा रही थी तस्करी। 500 पेटी शराब के साथ ट्रक चालक गिरफ्तार। 27 चेक पोस्ट पर कार्रवाई। छपरा के डोरीगंज थाना इलाके में प्रशासन का अवैध बालू भंडारण के खिलाफ अभियान। कई वाहनों को पुलिस ने जब्त किया। प्रशासन ने अभियान चलाकर एक्शन लिया। मधुबनी में ससुराल में मिला नवविवाहिता का शव। मृतका के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया जीएमसीएच। सहरसा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। हथियार के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार। दो दिन पहले पंचवटी में बरामद किए गए थे हथियार। बेटा में ट्रक से मिला शव। गैस सिलेंडर लदे ट्रक में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बोकारो के चास में फांसी के फंदे से झूलकर नर्स ने खुदकुशी की सूचना मिलने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को बोकारो से खेलने का के मामले में बड़ी कार्रवाई। रिपोर्ट के आधार पर भंग की गई। जिला क्रिकेट संघ जेएससीए को रिपोर्ट सौंपने के बाद कार्रवाई की गई। धनबाद के माइनटांड में होगा 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान। 30 मई से प्रारंभ होगा कार्यक्रम। 5,000 महिलाएं कलश यात्रा में होंगी शामिल। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में लगाया जनता दरबार। कई फरियादियों की समस्याओं का मौके पर निपटारा किया। हर एक सोमवार को लगाया जाता है जनता दरबार। मोधाली के दंश झेल रहा है सरायकेला जिले के खरसावा सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र। खंडहर बनकर रह गया उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन। ग्रामीणों को नहीं मिल रही है स्वास्थ्य सुविधाएं। मिर्जा चौकी और बुआ जी ओर पर जोड़ने वाली सड़क की समस्या बनकर रह गई है चुनावी मुद्दा। इस सड़क से सरकार को करोड़ों का मिलता है राजस्व। सड़क का विकास अधूरा पड़ा। रामगढ़ दुलमी प्रखंड में मंडा पूजा का आयोजन। पूर्व विधायक ममता देवी और पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो शामिल हुए। पूजा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखा। कर्नाटक में चुनाव प्रचार खत्म होते ही एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी। सभी मंत्रालयों से मांगा रिपोर्ट कार्ड। 2014 से पहले और अब तक की प्रगति के बारे में तलब की है रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी बैन। ममता बनर्जी ने फिल्म को मनगढ़ंत बताया। अनुराग ठाकुर बोले फिल्म के विरोधी आतंकवाद समर्थक। कर्नाटक में थमा प्रचार का शोर। आखिरी दिन सभी दलों ने झोंकी ताकत। 10 मई को डाले जाएंगे वोट। 13 को आएंगे नतीजे। कर्नाटक को लेकर बोले अमित शाह। कहा बीजेपी की सरकार बनना तय है। प्रधानमंत्री को कांग्रेस ने जब भी अपशब्द कहे जनता ने सबक सिखाया। सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी ने की चुनाव आयोग में शिकायत। हुगली की रैली में संप्रभुता पर विवादित बयान देने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। दिल्ली शराब घोटाले केस में 23 मई तक न्याय की हिरासत बढ़ गई। सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 10 मई को होगी सुनवाई। बजरंग दल बैन पर बोले बाबा बागेश्वर। कहा कर्नाटक में हुआ बजरंग बली का अपमान। बजरंग बली का विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान के हनुमानगढ़ी में वायुसेना का मिग 21 क्रैश। 3 लोगों की मौत। पायलट और
दो लोग सुरक्षित। रहायशी इलाके में घर पर गिरा MiG-21 विमान, मरने वालों में तीन महिलाएं भी शामिल। विमान गिरने से पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया, स्थानीय लोगों की मदद से घर से लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे की जगह पर पहुंचे वायुसेना के अफसर, विमान हादसे की जांच जारी। अमृतसर में दो दिन में दूसरा धमाका, गोल्डन टेंपल के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर ब्लास्ट हुआ, बम डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। अति की पत्नी शाइस्ता परवीन भी माफिया घोषित, माफियाओं की लिस्ट में शाइस्ता का नाम, FIR में शाइस्ता को माफिया अपराधी बताया गया। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है शाइस्ता, 2 मई को दर्ज की गई FIR में शाइस्ता को माफिया और अपराधी लिखा गया। FIR में लिखा गया कि अपने साथ शूटर लेकर चलती है माफिया शाइस्ता। 5 लाख के इनामी बदमाश साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया गया, उमेश पाल पर शूटर साबिर ने भी बरसाई थी गोलियां, 2 महीने से फरार है शाइस्ता। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी गुड्डू मुस्लिम लगातार बदल रहा है लोकेशन, UPSTF को लास्ट लोकेशन चेन्नई मिली, शूटर साबिर की लोकेशन कौशाम्बी में मिली। गुड्डू मुस्लिम ने चेन्नई में मुन्ना कव्वाली के ठिकाने पर पनाह ली, मुन्ना कव्वाली भी एसटीएफ के रडार पर, कौशाम्बी के फार्म हाउस में 2 रात रुका था गुड्डू मुस्लिम। आतिक के बेटे अली को रिमांड पर लेगी पुलिस, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पूछताछ होगी, अली की रिमांड के लिए कोर्ट में जल्द दाखिल होगी अर्जी। यूपी के गैंगस्टर अनिल दुजाना को लेकर बड़ा खुलासा, गवाहों को धमकाने के लिए चिट्ठी के साथ भेजता था कारतूस, गवाह नहीं मिलने से 32 मुकदमों में बरी हुआ था। केरल के मल्लापुरम में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 21 लोगों की मौत, नाव में सवार थे करीब 40 से 50 लोग। मल्लापुरम में जिले में तनूर इलाके में तुवल थीराम समुद्र तट के पास हादसा हुआ, मरने वालों में बच्चों की संख्या अधिक है, स्कूल की छुट्टी के बाद नाव से समंदर की सैर करने आए थे बच्चे। हादसे के बाद तैरकर सुरक्षित पहुंचे एक शख्स के मुताबिक नाव पलटने से बाहर निकलने के रास्ते बंद हो गए थे, नाव के अंदर फंस जाने से ज्यादातर मौतें हुई। नाव के अंदर अभी और भी लोगों के फंसे होने की आशंका, पूरी रात चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव के काम में जुटी स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम। हादसे के बाद समंदर से निकाले गए सभी शवों को मॉर्चरी पहुंचाया गया, सब अपने रिश्तेदारों को तलाश करने के लिए मॉर्चरी में लगी लोगों की भारी भीड़। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया, मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी शोक व्यक्त किया। पिथौरागढ़ में ग्लेशियर टूटने से मचा हड़कंप, चीन बॉर्डर के पास टूटा ग्लेशियर, पहाड़ से आया बर्फ का ढेर। ग्लेशियर टूटने के बाद से आसपास के इलाके में लोगों को हटाया गया, देखते ही देखते पूरे इलाके में बर्फ का कब्जा हो गया। कई महीनों से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, जम्मू कश्मीर में रामबन में दिखा दिसंबर जैसा मंजर, चारों तरफ दिखा बर्फ का कब्जा। रामबन में सड़क से लेकर घरों तक बर्फ की सफेद चादर बिछी, बेमौसम बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में भी बर्फ की बारिश, सड़क पर जमी कई फीट मोटी बर्फ, मछली सेक्टर में चारों तरफ दिखी बर्फ ही बर्फ। किश्तवाड़ा में हर तरफ छाई बर्फ की सफेदी, भारी बर्फबारी की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। गाजियाबाद में युवकों को कार से स्टंट करना महंगा पड़ा, 5,500 रुपए का चालान कटा, स्टंट का वीडियो भी वायरल हुआ। नोएडा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किए 10 लाख रुपए, कार सवार 4 लोगों को हिरासत में लिया। नक्सल विरोधी आंदोलन में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लखीसराय में इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई। MP के दतिया में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दोनों तरफ से चली लाठी और डंडे और कुल्हाड़ी, 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। हरदोई में दबंगों के ने मारपीट और पथराव किया, कोटेदार के घर पर चलाए गए ईंट पत्थर, वीडियो वायरल हुआ। कश्मीर में G20 की बैठक से बौखलाया पाकिस्तान, PUK में जाबाज फोर्स के नाम से बनाया गया आतंकी संगठन, पाकिस्तानी एक्टिविस्ट का खुलासा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने लश्कर और जैश के आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड एक्टिव किए। टेक्सास के ब्राउन्सविले में दिल दहला देने वाला हादसा, तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे बस का इंतजार कर रहे दर्जनों लोगों को कुचला, 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई। तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने नियंत्रण खोया, लोगों को कुचलते हुए निकल गई कार, पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया। कनाडा के अल्बर्टा में जंगलों में भीषण आग लग गई, दूर से नजर आ रही थी आग की लपटें, पूरे इलाके में छाया धुएं का गुब्बारा।